सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने अपने पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने दो दिन पहले हुए गठित व्यापार मंडल को असंवैधानिक करार दिया है और कहा कि चंद व्यापारियों को गुमराह कर ये व्यापार मंडल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो वे व्यापार मंडल की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर बहुमत प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारियों को बैठक के लिए बुलाकर उसे चुनाव प्रक्रिया साबित किया गया है और उसी झूठ के पुलिंदे पर व्यापारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे सोलन का व्यापार मंडल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सोलन 3 वर्षों से सोलन में कई नए व्यापारी आए, उन्हें सोलन के व्यापार मंडल में सदस्यता दी जाएगी। अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे भी चुनाव लड़ पाएंगे। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल के संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया से पहले व्यापारियों को 15 दिनों पहले सूचित किया जाता है और ये फैसला आम सभा में लिया जाता है, जिसमें 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लाएगी। कुछ व्यापारियों को गुमराह कर उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया। उन्हें ये भ्रमित किया गया कि सोलन व्यापार मंडल का कार्यकाल पूरा हो गया है और व्यापार मंडल को एसडीएम सोलन ने भंग कर दिया है, जिसके चलते चंद व्यापारियों को गुमराह कर उनका समर्थन हासिल किया और पदाधिकारी बन बैठे। अगर वे पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो सोलन व्यापार मंडल ने चुनावों की घोषणा कर दी है, वे चुनावों में भाग लें, अपना बहुमत साबित करें। उन्होंने कहा कि सोलन व्यापार मंडल की नवगठित बॉडी है जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिए वे जल्द ही सलाह लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक निजी होटल में कुछ लोगों को बुलाकर 20-25 लोगों को बुलाकर एसडीएम सोलन द्वारा दिए गए एक लेटर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोलन व्यापार मंडल को डिसॉल्व कर दिया गया। उस लेटर को हमारे व्यापारियों के सामने भी गलत ढंग से पेश किया गया कि सोलन व्यापार मंडल को एसडीएम साहब ने डिसॉल्व कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उनको गुमराह किया गया। उनकी ये जो हरकतें थी यहाँ भी नहीं रुकी और उन्होंने एक निजी होटल के अंदर में 20-25 लोगों को बुलाकर गुमराह भी किया उनको कि वहाँ पर बैठक है, और वहाँ जाकर जब वो लोग हमारे व्यापारी गुमराह होकर वहाँ पहुँचे कि कोई बैठक है, तो वहाँ उनको बोला कि यहाँ बैठक नहीं है, यहाँ सोलन व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं। और जबकि हमारे बायलॉज के हिसाब से कोई भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उसको 15 दिन पहले नोटिफिकेशन करनी पड़ती है, और उस जनरल हाउस के अंदर में जहाँ भी चुनाव का प्रोसेस या शुरू होना होता है वहाँ पर हमारी 2/3 मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ 20-25 लोगों ने बैठकर उसको जनरल हाउस का नाम दे दिया और वहाँ पर एक व्यापार मंडल को एक गठित कर दिया, जिस तरह से ये पहले करते रहे महाव्यापार मंडल गठित करते, वैसे ही एक व्यापार मंडल की वहाँ पर गठन कर दिया। इतना भी ये प्रोसेस किया गया ये बिल्कुल गलत है, ये बायलॉज के अकॉर्डिंगली नहीं है। जो भी बायलॉज इन्होंने बनाए थे अपने टाइम में 5 साल के लिए और अब बोलते हैं कि 3 साल के लिए, उसके अकॉर्डिंगली भी नहीं है। अगर ये बायलॉज की एक टर्म को मानते हैं कि 5 साल नहीं 3 साल होना चाहिए, तो पूरे सोसाइटी एक्ट को भी इनको मानना पड़ेगा और बायलॉज को भी मानना पड़ेगा, जिसमें कि जनरल हाउस की स्ट्रेंथ और ये सब पूरा होना चाहिए। हम तो आज से ही चुनाव भी बोल देते हैं कि आज से चुनाव शुरू हैं, व्यापारी अपनी तैयारी करे, जिसने भी लड़ना है चुनाव वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर सकता है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए माननीय एसडीएम साहब के परमिशन की हम वेट कर रहे हैं। अगर हमें कल परमिशन मिल गई हम कल ही चुनाव की प्रक्रिया और जो हाउस की प्रक्रिया उसको शुरू कर देंगे, लेकिन बात है उस परमिशन को मिलने के उस पर। और जो ये हमारे को बोल रहे हैं कि इन्होंने एसडीएम कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, हमने वहाँ रजिस्टर्ड भी कराया है, बाकायदा हमारे पास कागज है, डेट भी है, हमारे प्रोसीडिंग सिस्टम में भी है और एसडीएम कार्यालय में भी है, पूरा एज पर लॉ, जो हमारे बायलॉज कहते हैं, जो हमारे एडवोकेट कहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। और हमने माननीय एसडीएम महोदय को भी लिख के दिया है कि इस इलीगल है ये सारा कुछ और इसके ऊपर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए।